ये वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रभास। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन अर्थात संज्ञा। जैसे कि हम जानते हैं संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पाँचवा भाववाचक संज्ञा। इस पाँचों टॉपिक को हम वीडियो में अच्छे समझेंगे, तो अच्छे समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, तो हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। ठीक है, तीन रूढ़ संज्ञाएँ वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे कमल। यौगिक, यौगिक संज्ञाएँ हैं जिनके को कई सार्थक शब्द के योग से बनती है, जैसे पाठशाला। यौगरूढ़ वे यौगिक के संज्ञाएँ हैं जो अपने खंडों का अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ देती हैं, जैसे जलज। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे यहाँ चार लाइन लिखी हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। ठीक है, ये सब है संज्ञा है। ठीक है, अभी लिखा है ऊपर के व्यक्ति वाक्यों में मोहन किसी व्यक्ति, मतलब कि इसके बारे में बताया है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मैं उसमें हुआ था राम इशोरी में, इसमें मोहन है। स्कूल का, स्कूल एक स्थान का नाम है। ठीक है, आम एक फल का नाम है, मिठास का गुण है, मोर एक पंछी का नाम है। वे सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है, मतलब कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक छोटा सा इसका उदाहरण है। परिभाषा संज्ञा के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, गीता, देशों के नाम भारत, जापान, नदियों के नाम गंगा, जमुना, शहर का नाम पटना, इलाहाबाद, पुस्तक के नाम रामायण, महाभारत। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, मोर। वस्तु का नाम, घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, पदों या व्यवसाय के नाम, शिक्षक, लेखक, मंत्री। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं, जैसे धातु या खनिज के नाम, लोहा, सोना, चांदी। खाने पीने की वस्तुओं का नाम, दूध, पानी, घी, तेल, ठीक आदि आदि। अभी चौथा बात, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के अनेक वस्तुएं या प्राणियों के समूह का बोध होता है वे से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, परिवार, संघ, सेना, झुंड। वस्तुवाचक संज्ञा, गुच्छा, ठीक है, ढेर, श्रृंखला, पुंज आदि होते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसी हो सकती है? क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौन,
सहवास, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब शब्द भाववाचक है। ये भाववाचक संज्ञाएँ प्रायः तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। क्रिया से, पहला क्रियाओं से, संज्ञा से, से क्रिया से। काटना से काट, सज सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट, संज्ञा से बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व, विशेषण से महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी। संज्ञा के विकार, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह विकार तीन कारणों से होते हैं, लिंग वचन कारक। तो अगर आपको ये तीन टॉपिक पढ़ना है लिंग वचन कारक, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस चैनल, जिसका नाम है प्रभात सरोज, इस चैनल पे हम 8 to 10th की एजुकेशन वीडियो डालते हैं, जो कि ऑफलाइन में होता है वीडियो मोड में, ठीक है। और अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट एंड न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल प्रभात सरोज फैक्ट एंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपकी भी इमेज बनेगी अच्छी और हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Hey.